अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा रंग गोरा करने वाला फेस पैक, जिसे अगर आप लगा लेंगे तो आपका चेहरा इतना गोरा हो जाएगा कि आप देखकर हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, आज की ये टिप बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है आपके चेहरे के लिए। दिलकश जिल्द और अपना कुदरती रंग निखारने के लिए लड़कियाँ कई तरह के जतन करती हैं और आए रोज़ कोई ना कोई तरीका अपनाती रहती हैं जिससे वो अपने रंग को गोरा कर सकें। रंग गोरा करने की नई नई क्रीमें मार्केट में आती रहती हैं और बेचारी लड़कियां अपने पैसे बर्बाद करती हैं। इसके अलावा आजकल रंग गोरा करने के मुख्तलिफ टीके और विटामिन कैप्सूल आए हुए हैं जो रंगत को निखार देते हैं, लेकिन इनके ख़तरनाक असरात आपको कोई नहीं बताता। स्किन के माहिर डॉक्टर्स जो अपने मरीजों की परवाह करते हैं, वो इस तरह के इंजेक्शन के इस्तेमाल से मना करते हैं कि इनकी वजह से हार्मोन्स मुतासिर होते हैं और कुछ पेचीदा मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इन सब बातों से अगर आप दूर रहें और घर में ये वाला फेस पैक जो आज मैं आपको बता रही हूँ इस्तेमाल करें, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और इसका रिज़ल्ट भी परमानेंट है, क्योंकि बाजारी क्रीम्स, टीके और कैप्सूल हमें कुछ देर के लिए गोरा करते हैं जब तक हम उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका इस्तेमाल बंद कर दे तो हमारा चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा बेजान हो जाता है। लेकिन ये घरेलू टिप्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपका चेहरा परमानेंट गोरा और बेदाग हो जाएगा। तो बिना किसी देर के हम जान लेते हैं कि मैंने इस फेस पैक में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, पर इससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आप मेरी डेली वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है भुट्टा। जी हाँ, कॉर्न, यानी पंजाबी में हम इसको छल्ली भी कहते हैं, जो हम खाते हैं। एक कच्चा भुट्टा आप ले लें। इसके साथ आपको लेनी है दूसरी चीज़ हल्दी, और तीसरा लेना है कच्चा दूध, और आखिरी चीज़ है हमारे पास एलोवेरा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो बाज़ारी एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इसका हम अंदर का गूदा निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। अब जान लेते हैं इसको तैयार कैसे करना है। कच्चे भुट्टे के दाने आपने एक बाउल में निकाल लेने हैं। आप एक भुट्टा ले लीजिए और उसके सारे दाने एक बाउल में निकाल लीजिए। अब इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, यानी पीस लीजिए किसी भी मिक्सी वगैरह में। पीसने के बाद आप इसमें टर्मरिक पाउडर के 4 चम्मच और एलोवेरा जेल का 1 चम्मच डाल दीजिए, और इस पेस्ट को मिक्स करने के लिए कच्चा दूध जितना भी रिक्वायरमेंट हो उतना आप उसके मुताबिक लेकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इतनी क्वांटिटी रखें जितनी आप अपने फेस पर आराम से इस्तेमाल कर सकें। अब जान लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जो भुट्टा होता है वो हमारी जिल्द को अंदर से रीजनरेट करता है और हमारी जिल्द पर जितनी भी डस्ट और पोल्यूशन आ गया है उसको ख़त्म करता है, और हमारे चेहरे पर जो छुरियाँ आ गई हों उनको ख़त्म करता है, और हमारे स्किन को टाइटन एंड ब्राइटन करने का काम करता है। भुट्टा अपनी स्किन पर इस्तेमाल करना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और हल्दी का क्या काम होता है? आपके चेहरे पर जितने भी पिम्पल प्रॉब्लम है और जितने भी बैक्टीरिया आ चुके हैं और फंगल इन्फेक्शन है आपकी स्किन पर, उन सब को ख़त्म करती है जड़ से। और कच्चा दूध हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कच्चा दूध आपके चेहरे को दूध की तरह गोरा और चमकदार बनाता है, तो इसलिए हम इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि एलोवेरा जेल ना सिर्फ आपके चेहरे की खुश्की को ख़त्म करके खूबसूरती को निखारता है, बल्कि जिल्द को नरम मुलायम भी बनाता है। अब जान लेते हैं कि इस पेस्ट को लगाना कैसे है और किस वक्त लगाना है। आपको इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना है। जब आप सोने लगें तो उससे पहले अपने चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश से धो लीजिए, और इसके बाद इस पेस्ट की लेयर अपने फेस पर लगाइए और कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए, और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें।
याद रखें, कोई भी फेस पैक जब आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, फेस पैक पूरा बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। इससे पहले जब ये हल्का सा सूख चुका हो, हल्का ड्राई हो गया हो, तब आप इसको वॉश कर लें, क्योंकि जब आप अपना पूरा फेस पैक सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, तो आपकी स्किन खिंचने लगती है। जितनी ज़्यादा आपकी स्किन खिंचेगी, उतना ही ज़्यादा आपके रिंकल यानी झुर्रियाँ आपके चेहरे पर वक्त से पहले आ जाएंगी। जब भी आप किसी फेस पैक का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल चुप रहें, किसी से बात ना करें, ना ही ज़्यादा हिले जुलें, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ना दें और ना कोई रिएक्ट करें, क्योंकि जहाँ जहाँ आप एक्सप्रेशन देंगे वहाँ वहाँ झुर्रियाँ आपके फेस पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और साथ में नेक्स्ट डे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी, अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर ज़रूर करें ताकि बाहर की पोल्यूशन का असर आपके चेहरे पर ना पड़े। हेल्दी डाइट में बहुत ज़्यादा पानी पिए, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी जल्द चंद ही दिनों में निखर जाएगी और आप पर मेरा ये नुस्खा 100% काम करेगा। प्लीज़ इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा और इसका रिज़ल्ट मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और जो लोग नए हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।